बिना वजह अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, जब गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारे फैसले नहीं मानेंगे तो फिर मुकदमे सुनने से फायदा क्या। मैं होता अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मैं सारे अदालतें पाकिस्तान में बंद कर देता। क्या मॉरल अथॉरिटी, जब गवर्नमेंट कह रही है कि हम तुम्हारे फैसले नहीं मानेंगे, तुम क्यों अदालतें चला रहे हो, क्यों ये हियरिंग कर रहे हो, ड्रामा हो रहा है। देखिए ये सब बेकार बातें हैं, ये जजेस जो है इंक्लूडिंग योर चीफ जस्टिस बस देख रहे हैं अपनी सैलरी, अपने पर्क्स, अपना पेंशन, रिटायरमेंट आ रहा है कि पेंशन कितना मिलेगा, इसके अलावा इनको कोई किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। अब बिल्कुल साफ हो गया, बेंच में आए बाकी जजेस के साथ, आप बैठे, फिर एकाएक खड़े हो गए और कहते हैं मैं जा रहा हूं, ये कोई बेंच नहीं। ये क्या तरीका है? आप पहले से कह देते चीफ जस्टिस से कि मैं नहीं बैठूंगा इस बेंच में क्योंकि इसको मैं मानता नहीं, मगर आप क्यों आए, क्यों कोई ड्रामा करना था? ये काजी फेर ईसा को कोई मतलब एटिकेट नहीं मालूम क्या, कोर्ट का बिहेवियर कैसे होना चाहिए, और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने जा रहा है। देखिए इमरान खान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वही एक है जो मदद कर सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि बेसिकली ईमानदार आदमी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मारखंडे काजू साहब भारत से हमारे साथ मौजूद हैं। काजू साहब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजू साहब आपका मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर, आपने लिखा हुआ है कि आपने जस्टिस बंदियाल साहब को, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्हें एक ईमेल भी की है और आपने उन्हें कहा है कि पाकिस्तान में अदालतों को ताले लगा दें अगर आप फैसले नहीं फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। देखिए मैंने साफ साफ कह दिया कि जब आपकी गवर्नमेंट कोर्ट के फैसले मानने को तैयार नहीं है, अब जो फैसला था कि 14 मई को चुनाव होगा नहीं माना, अभी भी देखिए तमाशे करते, आपके राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा हम नहीं मानेंगे फैसला, ये जो सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो कि ना हो इस पे चल रहा है, तमाशा चल रहा है। मैंने कहा कि भैया तुम बिला वजह अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, जब गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारे फैसले नहीं मानेंगे तो फिर मुकदमे सुनने से फायदा क्या। मैं होता अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मैं सारे अदालतें पाकिस्तान में बंद कर देता और गवर्नमेंट से कहता जब तक तुम नहीं अग्री करो कि हमारे फैसले मानोगे कोई अदालत नहीं चलेगी पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि फायदा क्या अदालत चलाने का अगर तुम अदालत के फैसले नहीं मानो। तो लिहाजा मैं तो साहब बड़ा सख्त कदम उठाता। ड्रामा चल रहा है कि 9 जज की बेंच बनी, फिर वो काजी फैज ईसा ने कहा मैं इस बेंच को नहीं मानता, और वो तारिक मसूद 2 जज भाग गए, फिर वो अभी क्या मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ ऑब्जेक्शन है कि मैं वो फॉर्मर CGI का रिश्तेदार हूँ, तो मैं छोड़ के चला गया, तो अब रह गए 6। तो मैंने एक मजाक में ट्वीट लिखा कि अटॉर्नी जनरल साहब को कहना चाहिए जब ये 6 जज बेंच बैठे तो इस तरीके में बताता चलूंगा क्या तरीका है, तुम लोग एक भी जज नहीं रहे, ये क्या तमाशा बना दिया, ड्रामा चल रहा है। अरे बंद कर दो अदालतें, जब गवर्नमेंट कहती फैसले नहीं मानेंगे तो क्या फायदा तुम अदालतें चला रहे हो भाई। सर आप सुप्रीम कोर्ट में ही पाकिस्तान के मौजूद जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा खुलकर कहा, उन्होंने कहा जी हमारी मॉरल वैल्यू खत्म हो रही है, जुडिशरी की मॉरल वैल्यू मुतासिर हो रही है, हमारे पास कोई छड़ी नहीं है, डंडा नहीं है कि हम अपने फैसलों पर अमल दरामद करवा दें। जाहिर है एक मॉरल एक वैल्यू होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है रियासत का जिसकी वजह से जुडिशरीज आजाद होती हैं। आप नहीं समझते कि एक सुप्रीम कोर्ट की जो मॉरल वैल्यू इस मुल्क के अंदर है वो इस वक्त कोलैप्स हो रही है? देखिए मॉरल वैल्यू होती है आपकी जुडिशरी की और सुप्रीम कोर्ट की अगर चीफ जस्टिस अनाउंस कर देते कि हम सारी अदालतें बंद कर रहे हैं जब तक गवर्नमेंट नहीं कहेगी कि आपके फैसले हम मानेंगे, तब आपकी मॉरल अथॉरिटी हो जाती, पूरा पाकिस्तान आपकी तारीफ करता कि यह है दमदार जज जो कह रहा है कि हम सब अदालतें बंद कर रहे हैं जब तक तुम नहीं अग्री करो कि हमारे फैसले मानोगे। व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ मॉरल, क्या मॉरल अथॉरिटी, जब गवर्नमेंट कह रही है कि हम तुम्हारे फैसले नहीं मानेंगे तुम क्यों अदालतें चला रहे हो, क्यों ये हियरिंग कर रहे हो, ड्रामा हो रहा है। अब देखिए ये जो 9 जज बेंच बनी थी, रोज कुछ ना कुछ तमाशा होता है इसमें,
अब लेटेस्ट तमाशा ये हुआ कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जो मंसूर अली शाह कोई जज हैं, वो रिश्तेदार हैं, वो ख्वाजा क्या वो फॉर्मर सीजीआई के, तो वो रिक्यूज करें जवादिस ख्वाजा साहब के, तो रोज कोई ना कोई इन्हें चलने नहीं देंगे बेंच को। तो जब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, वाजे हो गया है, तो अनाउंस कर दें कि हम बंद कर रहे हैं अदालतों को, आप नहीं चाहते हमारे फैसले तो ठीक है, हम नहीं अदालतें चलाऊंगे, हम सारे पाकिस्तान को बंद कर रहे हैं। सर हम आपके लेंस से समझना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के जो मुअज्जज चीफ जस्टिस हैं वो इस वक्त सोच क्या रहे होंगे जब वो देख रहे हैं कि हुकूमत तो खैर बहुत सारी चीजें कर ही रही है लेकिन उनके अपने साथी जज, उनका अपना सुप्रीम कोर्ट, उनका अपना घर इन ऑर्डर नहीं है, उनके अपने घर के अंदर जिस तरह एहतजाज हसन साहब ने कहा कि सबने अटैक कर रखा है, लोग ऊपर से झांक रहे, अपना घर तो ठीक करें, यानी जजेस के अंदर जो डिवाइड आ गया है, क्या कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? देखिए ये सब बेकार बातें हैं, ये जजेस जो है इंक्लूडिंग योर चीफ जस्टिस बस देख रहे हैं अपनी सैलरी, अपने पर्क्स, अपना पेंशन, रिटायरमेंट आ रहा है कि पेंशन कितना मिलेगा, इसके अलावा इनको कोई किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है, अब बिल्कुल साफ हो गया। वरना तो ये सख्त कदम उठाते हैं कि अदालतें बंद कर दो भाई, ये कि यही ये सोचो जब गवर्नमेंट ने कह दिया है, राणा सनाउल्लाह ने औरों ने कह दिया है कि हम कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे, तो तुम क्यों कोर्ट चला रहे हो भाई? तुम कह दो कि हम अब पूरे पाकिस्तान में कोई कोर्ट नहीं चलेगा जब तक गवर्नमेंट नहीं अनाउंस करे कि हम कोर्ट के फैसले मानेंगे। सर इसी इंप्रेशन आ रहा है जो कुछ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, इससे इंप्रेशन इंटरनेशनली या फिर जो हमारे पड़ोसी मुल्क में या आप लोग जो मुअज्जज जूरिस्ट हैं दुनिया भर के यानी जजेस हैं, आप लोग जब देखते हैं सारे मामलों को तो क्या महसूस करते हैं? महसूस करते हैं कि आपकी कोर्ट नहीं है, सर्कस है, ड्रामा होता है। ये जो बना था 9 जजमेंट, बड़ी बहादुरी से बनाई थी आपके चीफ जस्टिस बंडियाल साहब ने कि ये सिविलियन का ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट में कि नहीं। अब रोज कुछ ना कुछ अड़ंगा लगता है, पहले काजी फैजीसा साहब हैं, उनको कोई पर्सनल रंजिश है चीफ जस्टिस बंडियाल से, मगर ये मतलब तो है नहीं कि आप बेंच को डिसरप्ट कर दीजिए। उन्होंने पहले दिन ही 9 जज बेंच, या तो वो जब उनको बताया गया कि आप इस बेंच में हैं, तो प्रीवियस इवनिंग कहते हैं रात को 8 बजे मुझे पिछले दिन बताया गया, तो ये चीफ जस्टिस से कह देते कि देखिए मैं नहीं रहूंगा बेंच में, ही शुड हैव टोल्ड द चीफ जस्टिस आई विल नॉट सिट इन दिस बेंच। क्या जरूरत थी कि आप बेंच में आए बाकी जजेस के साथ, आप बैठे फिर एकाएक खड़े हो गए और कहते हैं मैं जा रहा हूँ, ये कोई बेंच नहीं, ये क्या तरीका है? आप पहले से कह देते चीफ जस्टिस से कि मैं नहीं बैठूंगा इस बेंच में क्योंकि इसको मैं मानता नहीं, मगर आप क्यों आए, क्यों कोई ड्रामा करना था? ये काजी फेर ईसा को कोई मतलब एटिकेट नहीं मालूम क्या कोर्ट का बिहेवियर कैसे होना चाहिए, और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने जा रहा है? भाई आपको जब नहीं बैठना था उस 9 जज बेंच में, आप पहले से कह देते चीफ जस्टिस से कि भाई मैं नहीं बैठूंगा, मुझे ये मैं मानता नहीं हूँ बेंच को, मगर आप आए कोर्ट में बाकी जजेस के साथ और बैठे सब बेंच अपने अपने चेयर में, उसके बाद एकाएक आप खड़े हो गए और ड्रामा करने लगे कि कोई बेंच नहीं है, ये है वो है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, पहले तो आप अपनी राय दें कि जो उसके क्या सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये वे फॉरवर्ड क्या है? मैंने बता दिया आपको, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, वे फॉरवर्ड एक ही है कि चीफ जस्टिस बंडियाल अनाउंस करें कि कोई कोर्ट नहीं चलेगी अब पाकिस्तान में। नहीं सर वो नहीं कर सकते ना, देखिए आज भी मुअज्जज जज ने यही कहा है कि हम तहम्मुल कर रहे हैं, हमारे तहम्मुल का गलत फायदा ना उठाया जाए, और हमने देखा है कि इससे पहले चीफ जस्टिस साहब यही हिदायत करते रहे कि बैठे सब बैठकर इंतखाबात करवाएं, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें नहीं, और यही मुअज्जज चीफ जस्टिस है जिन्होंने कहा था कि सर सब्र करें, सब्र की तलकीन की थी कि पाकिस्तान ट्रांजिशन में है, तो ये कौन सी ट्रांजिशन है, कौन सा सबर फिर करें, जुडिशरी का फैसला तो सर सबर करवाना नहीं होता। देखिए अगर जो गवर्नमेंट है उसने तय कर लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 14 मई को चुनाव होगा पंजाब में, जो फैसला था उसको बिल्कुल दरकिनार कर लिया, उसको बिल्कुल यानी जैसे कूड़े की टोकरी में फेंक दिया, तो क्या फायदा ऐसी अदालतों को चलाना जिसके फैसले माने नहीं जाएंगे?
भाई और कोई तरीका मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है एक्सेप्ट कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनाउंस करें कि हम सारी अदालतें पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही वे फॉरवर्ड है, यही वे फॉरवर्ड है। आप जरा शो सम स्पाइन, दिखाइए कि आपके रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान चीफ जस्टिस शुड अनाउंस कि वी आर क्लोजिंग ऑल कोर्ट इन ऑल कोर्ट इन पाकिस्तान अंटिल गवर्नमेंट अग्रीज दैट दे विल एक्सेप्ट आवर वर्डिक्ट। और कोई तरीका नहीं, क्योंकि बताइए क्या फायदा ये सुनवाई जो हियरिंग हो रही है जब गवर्नमेंट ने तय किया कि हम फैसला आपका नहीं मानेंगे, तो क्या ये ड्रामा करने से फायदा क्या? अब देखिए कल भी शायद लगा है कि अब वो छह जज बेंच है, वो छह जज में भी पता नहीं कितने रह जाएंगे, क्या होगा ये, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ड्रामा जब गवर्नमेंट ने, राणा सनाउल्लाह साहब ने कह दिया, मैंने सुना था। जी सर, उन्होंने कौमी असेंबली में कहा, मुख्तलिफ टीवी शोज में भी कहा है, लेकिन सर ब्राइमर बनी ये बताएं कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल वो है, इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। ये सारा ड्रामा हो रहा है, देखिए पूरा ड्रामा हो रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान फिर से हुकूमत में ना आए, बस ये, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वन लास्ट कमेंट बराए मेहरबानी आप कीजिएगा कि क्या इमरान खान और तहरीक इंसाफ जितने कॉर्नर हो गए, बींग अ जज एंड बींग अ जो पॉलिटिक्स फॉलो करता है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के पास है कोई वे फॉरवर्ड है, या जितना कॉर्नर खान हो चुका है यहां से निकल सकता है? देखिए इमरान खान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वही एक है जो मदद कर सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि बेसिकली ईमानदार आदमी है, ठीक है, उसमें है कुछ डिफेक्ट है, मैं नहीं डिनाई करता हूँ, मगर कंपेयर करिए पीडीएम वाले, दे आर अ गैंग ऑफ डकॉइट्स। इमरान खान ही है जो कि आगे बढ़ेगा। देखिए ये टेम्पररी जो ये सब आपको दिखाई दे रहा है कि उसको घेर लिया और उसको पीटीआई को खत्म कर दिया, ये सब दिखावा है। देखिए 90% पाकिस्तानी पब्लिक सॉलिडली विद इमरान खान खड़ी है, और 90% क्या होता है, 24 करोड़ का 90% मतलब 22 करोड़ सॉलिड 22 करोड़ जनता खड़ी है विद इमरान खान, तो कोई घबराने की बात नहीं। ये सब टेम्प्रेरी लगता है कि था वो, तो इमरान खान खत्म हो गया और पीटीआई खत्म, बिल्कुल बेकार बातें हैं, कभी नहीं खत्म हो सकता है, क्योंकि सच हक कभी नहीं खत्म हो सकता।